Hi, this is Vijaya and welcome to Vijaya's Recipes. आज मैं आपके सामने कोई रेसिपी वीडियो नहीं बना रही हूँ, लेकिन आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ कुछ किचन टिप्स जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। हमारे पिछले किचन टिप्स का वीडियो किचन टिप्स पार्ट 2 को आप लोगों ने बहुत लाइक किया और उसमें काफी सारे व्यूज आए, 2.5 मिलियन व्यूज आए, इसीलिए मैंने सोचा कुछ और यूजफुल किचन टिप्स आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको हमारे आज के किचन टिप्स यूजफुल लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए सो दैट हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए किचन टिप्स शुरू करें। हम जब भी बाजार से टमाटर लेके आते हैं, इसे डायरेक्ट फ्रिज में ना रखें, इससे पहले अच्छी तरह से धो लें। टैप वाटर के नीचे से धो लें। हमने इसे अच्छी तरह से धो लिया है। अब दूसरे वेसल में हम डालेंगे फिर पानी। इस पानी में डालेंगे हम 2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा घर पे नहीं है तो आप विनेगर भी डाल सकते हैं। 1 टीस्पून हम विनेगर भी डालेंगे। मिक्स कर देते हैं। इसे हम 20 मिनट तक बेकिंग सोडा के पानी में हम इसे सोक करके रखेंगे। 20 मिनट के बाद हम इसे निकाल के चावल से पोंछ देंगे। एयरटाइट कंटेनर में हम ये टिश्यू पेपर डालेंगे। ये टमाटर इसमें स्टोर करके रखेंगे। इसी तरह हम बाकी सारे भी टमाटर इसमें स्टोर कर सकते हैं। हमने सारे टमाटर को अच्छी तरह से धो करके पोंछ लिया है। हम इसे कवर कर देंगे। टमाटर को हम फ्रिज में स्टोर करेंगे और जब भी यूज करना है हम इसे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। हमारा अगला टिप पूरी बनाने को लेकर है। पूरी को अगर फूला फूला बनाना हो तो आटा गूंदते समय उसमें डालें ये नमक, ये 1 टीस्पून ऑयल और ये 1/2 कप सूजी या रवा। ये डालने से पूरियां बहुत सॉफ्ट और अच्छी फूली फूली बनती हैं। इसे मिक्स कर लें और हल्के गुनगुने पानी से हम इसे आटा को गूंदेंगे। आप ये आटा दूध के साथ भी गूंद सकते हैं या गुनगुने पानी के साथ। आटा गूंदने के बाद हम इसे 20 मिनट तक ढक के रखेंगे और बाद में पूरियां बनाएंगे। 20 मिनट के बाद हम छोटी लोइयां तोड़ेंगे और इसे पूरी में बेलेंगे। आप ऐसे 10-12 पूरियां एक बार बेल के प्लेट में रख सकते हैं। बाद में हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करते समय पूरियों के लिए तेल बहुत गर्म होना चाहिए। इसमें 1/2 टीस्पून हम नमक डालेंगे, इससे पूरियां कम तेल सोखेंगी। गेहूं का आटा गूंदते वक्त उसमें रवा डालने से और तेल गरम करके हम जब पूरियां तलते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालने से पूरियां बहुत फूली फूली बनती हैं और बहुत देर तक फूली रहती हैं और ऑयल भी बहुत कम सोक करती हैं ये पूरियां।
मम्मी ये क्या हाल हो गया इसका, मतलब इस पे रोटी खाने का मन ही नहीं कर रहा मुझे तो। अरे ये तो रोज बनाने वाला अपना स्टील का रोटी तवा है, कल ऑफिस जाते समय मैंने थोड़ा सा हाई फ्लेम पे कर दिया कि ये इतना काला हो गया। अरे मम्मी लेकिन इतना काला हो गया कि मैं रोटी खाना छोड़ रहा हूँ यार, ये क्या है? मम्मी मुझे तो लगता है कि अपने ओरिजिनल कलर में कभी वापस नहीं आएगा, सच बताऊं तो। अक्षय तुम्हें भी अपने ऑडियंस के जैसा लगता है कि इतना काला हो गया और ये पहले जैसा नहीं आएगा? हाँ और क्या। अरे मैं एक टिप दिखाती हूँ, बहुत आसान है, जिससे ये पहले का स्टील का कलर आ जाएगा, देखते हैं। चलो देखते हैं। हमने इस तवे को गैस पे रखा है और गैस ऑन कर दिया है, इसपे डालेंगे ये 2 टीस्पून बेकिंग सोडा, डालेंगे थोड़ा सा पानी, बेकिंग सोडा को चारों तरफ पैन के स्प्रेड कर दिया है, गैस ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ी देर तक पैन पे ऐसे ही छोड़ देंगे। नींबू लेंगे, इसे फोक से प्रिक करके रखेंगे और इसे क्लीन करते जाएंगे, स्क्रब करेंगे। गैस ऑफ कर देते हैं, ज़्यादा स्टबन मार्क्स हैं तो हम इसमें थोड़ा सा विनेगर भी डालेंगे। इसे मेटल स्क्रबर के साथ इसे स्क्रब करके निकाल सकते हैं। ये स्क्रू जहां फिट है, ये कॉर्नर्स जहां ये ब्रश नहीं पहुंचेगा वहाँ पे आप ये शार्प नाइफ यूज़ कर सकते हैं और इसे स्क्रेप करके निकाल सकते हैं, वरना ये ब्रश से निकलेगा नहीं। जहाँ ये ब्रश नहीं पहुँचते हैं वहाँ ये शार्प नाइफ से आप स्क्रेप करके इसे निकाल सकते हैं। क्योंकि ये स्टेन ज़्यादा स्टबन थे, इसे स्क्रब करने में 10 से 15 मिनट लग गए। अब हम इसे पानी से धो लेंगे। ओह फाइनली मुझे लाइफ में हो पाई है गाइस कि मैं इस तवे पे रोटी खा सकता हूँ वापस। तो तवे की रोटी है अक्षय, फिर से रोज साफ करना है, घिसने का काम अब तुम्हारा ही है, रोटियां भी खाओ। नहीं मम्मी वीडियो पे कंसंट्रेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपने देखा किस तरह से ये तवा पहले जैसा हो गया है, आसानी से तो नहीं, 10-15 मिनट तो लगे हैं इसे स्क्रब करके निकालने में, लेकिन फाइनली ये क्लीन हो गया है। हमारा नेक्स्ट टिप है परवल या पॉइंटेड गोर्ड को ईजिली कट करने का। इसके लिए हमने परवल को अच्छी तरह से धो लिया है और इस पानी में हमने 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डाला है और इसे 20 मिनट तक हमने इसे सोक करके रख लिया है। परवल को कट करने के लिए पहले हम इसके दोनों एंड्स कट कर लेंगे। हमारा टिप है अभी इसे कट करने का, हमने इसे दोनों एंड्स को कट कर लिया है, अब हम इसे बीच से कट करेंगे। हमने सारे परवल को 2 टुकड़ों में काट लिया है, अब हम इसके सीड्स हटाएंगे। सीड्स को इजीली अलग करने के लिए हम ये एक स्पून का इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ा सा पॉइंटेड हो और इसे इस तरह से स्कूप करके निकाल देंगे। ये आइसक्रीम स्कूप जैसा लगता है, मेरा बेटा कहता है। हमने परवल से सारे सीड्स हटा दिए हैं और इसे आप मन चाहे शेप में आप कट कर सकते हैं। वैसे तो ये परवल रेसिपी ज़्यादा फेमस नहीं है ये सब्जी, लेकिन मेरे बेटे को ये सिंपल
परवल फ्राई की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है। इसकी रेसिपी मैं बहुत ही जल्दी अपने चैनल में अपलोड करूँगी और आप सभी से देखिएगा। और उस परवल फ्राई की रेसिपी देखने के लिए अगर आपने हमारी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इसे सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को हिट करिए तो हमारी परवल रेसिपी के नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी। सिल्वर के कॉइन्स हो या पूजा के सामान या कुछ ज्वेलरीज हो वो जब ऑक्सीडाइज होकर काले हो जाते हैं उसे साफ करने के लिए हम नेक्स्ट टिप ये है। हमने पैन में पानी डाल के इसे बॉईल करने के लिए रखा है। इसमें डालेंगे ये एल्युमिनियम फॉइल जो हम किसी भी फूड रैप के लिए यूज़ करते हैं, वो इसे कट करेंगे। ये एल्युमिनियम फॉइल को हम इस बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और इसमें डालेंगे ये 2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा। इसमें हम ये सिल्वर के ज्वेलरी डालेंगे। और ये सारे कॉइन्स करीब 10 मिनट तक बॉईल कर दिया है। ये एल्युमिनियम फॉइल के पेपर हटा देते हैं इसमें। दोनों तरफ कितने अच्छी तरह से ये साफ हो गया है। ये डिजाइन ये कॉर्नर की तरफ थोड़ा सा अगर ये रह गया है तो हम ये ब्रश को ये पानी में डिप करेंगे और ये बेकिंग सोडा में भी डिप करेंगे और इसे एक बार स्क्रब कर लेंगे। हमने सारे सिल्वर ज्वेलरी को स्क्रब कर लिया है। अब हम पानी में धो देंगे। देखिए इस मेथड से साफ करने से हमारे सिल्वर की ज्वेलरी कितने अच्छी तरह से साफ हो गई। किसी भी स्टील के वेसल या तवे के ऊपर से ये स्टिकर निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसके लिए एक टिप है, गैस ऑन कर देते हैं और इस पैन को लो फ्लेम में 2 मिनट तक इसे हीट करेंगे। हमने 2 मिनट तक पैन को स्टिकर के साथ हीट कर लिया है। गैस ऑफ कर देते हैं और ये स्टिकर को कॉर्नर से निकाल देते हैं। ये नाइफ के साथ निकल जाएगा आसानी से। देखिए कितनी आसानी से ये स्टिकर निकल गया है। बाद में हम इस पैन को नॉर्मल सोप वाटर से इसे क्लीन कर सकते हैं। लहसुन को छीलने में बहुत टाइम लगता है और इसे छीलते छीलते कभी हाथों में या उंगली में बहुत दर्द भी होने लगता है। इसके लिए एक आसान टिप है, बाउल में गर्म पानी डालिए और इस लहसुन को 10 मिनट तक इसमें सोक करके रखिए। 10 मिनट तक लहसुन को पानी में सोक करने के बाद इसका ये छिलका आसानी से निकल जाता है। कितने आसानी से ये छिल गया देखिए। बाद में आप इसे एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब भी चाहिए इसे यूज़ कर सकते हैं। कॉपर के बर्तन भी बाहर रह करके काले हो जाते हैं। इसे साफ करने के लिए एक सिंपल ट्रिक है, हम ये लेमन के पीस को इस नमक में डिप करेंगे, ये सॉल्ट में, और इसे स्क्रब करेंगे। आज सवेरे सब्जी कट करते समय मेरी उंगली थोड़ी कट हो गई। जैसे जले पे नमक बोलते हैं वैसे कटे पे नमक और नींबू लगने से ये थोड़ा जल रहा है, इसलिए मैं अच्छी तरह से साफ नहीं कर पा रही हूँ। फिर भी आपने देखा कि
इस मेथड से कितने अच्छे तरह से ये कॉपर हम क्लीन कर सकते हैं। बाद में इसे एक स्क्रबर से भी स्क्रब कर दीजिए कोई डिश वॉश के साथ। हमने सारे कॉपर वेसल्स को क्लीन कर लिया है। आप जब भी कॉपर वेसल्स को क्लीन करें इसी मेथड से करें और इसे रेगुलर क्लीन करते रहें तो इस पे दाग नहीं पड़ेंगे। पुदीने के पत्ते को क्लीन करने का एक बहुत सा बेसिक और आसान सा ट्रिक है। आप इसे ऐसे ये स्पून या जो परफोरेटेड है या जिससे हम पूरियां तलते हैं इसमें रख सकते हैं। बस इसे सिर्फ ऐसे पुल करना है। ऐसे हमने सारे पुदीने को साफ कर लिया है। इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए हम एक एयरटाइट कंटेनर लेंगे और इसमें ये टिश्यू पेपर रखेंगे और इसमें ये पुदीना डाल देंगे। ऐसे पुदीना को साफ करके इसे एयरटाइट कंटेनर में रखने से ये बहुत दिन तक फ्रेश रहेंगे। इसे आप फ्रिज में रख सकते हैं। किसी भी तरह का लीफी वेजिटेबल, चाहे वो मेथी हो, पालक हो या और कोई लीफी वेजिटेबल हो, पहले उसे अच्छी तरह से साफ करके इसे एयरटाइट कंटेनर में रखें और बाद में इसे जब चाहें उसे यूज़ कर सकते हैं। मेथी को साफ करने के लिए पहले हम ये बिना इस बंडल को ओपन किए हम पहले इसके एंड्स काट लेंगे। बाद में हम ये जो टाई किया हुआ है ये खोल देंगे। मेथी के पत्ते को हम इस तरह से साफ कर लेंगे, इसे अलग करेंगे और इसे इस एयरटाइट कंटेनर में हम इसे स्टोर करके रखेंगे। इसमें हमने एक टिश्यू पेपर डाल दिया है। हमने सारे मेथी के पत्तों को साफ कर लिया है। अब हम पालक साफ करेंगे। पालक के लिए भी पहले ये एंड्स कट कर लें, बाद में ये रस्सी को हम कट करेंगे। इसे हम 8-10 पत्तों को ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और सिर्फ ये एंड्स कट करेंगे। इसे भी हम ये एयरटाइट कंटेनर में टिश्यू पेपर डाल दिया है। ये पत्तों को इसमें हम रख देंगे। इसी तरह हम बाकी सारे पालक के पत्तों को भी कट कर लेंगे। हमने सारे पालक के पत्तों को साफ कर लिया है और इसे अच्छी तरह से धो लिया है और इसे सुखा लिया है। इसी तरह हमने मेथी के पत्तों को भी साफ करके धो करके सुखा लिया है। अब हम इसे स्टोर करेंगे। इसमें डालेंगे ये टिश्यू पेपर। इस तरह से स्टोर करने से ये लीफी वेजिटेबल्स या हरे पत्ते की सब्जियां बहुत देर तक और बहुत दिनों तक अच्छी तरह से स्टोर करके रख सकते हैं। इसे इसे हम फ्रिज में रख देंगे और जब चाहे इसे हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं।